बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार ठंडी ठंडी आइसक्रीम, होममेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम वेरी इजी रेसिपी के साथ। तो बनाएं और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। इतनी इजी और क्विक रेसिपी है और सब करेंगे आपकी तारीफ। ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार और है बनाना इसे बहुत ही आसान। तो आप ज़रूर बनाएं, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो इंजॉय करें, मिल्क शेक बनाएं, आइसक्रीम बनाएं, वैसे ही खा जाएं। देखें कितनी सॉफ्ट बनी है ना, ये इसका टेक्सचर देखें। तो चलें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी 1 कप तकरीबन, या थोड़ी सी ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। और अच्छे से इसको आपने ऊपर से इसके जो पत्ते वगैरह हैं वो साफ़ कर लेने हैं। कोई भी सीज़न का फ्रूट हो आपने ज़रूर उसे यूज़ करना है, मतलब खाना है और इंजॉय करना है। अल्लाह ताला की नेमत होती है ये, और ये रहमत है हमारे लिए। तो वेजिटेबल्स फ्रूट जो भी सीज़न का हो तो ज़रूर इंजॉय किया करें। ये कटिंग करने के बाद इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, ठीक है। और ये हो चुकी हैं, अच्छे से हमने वॉश कर ली हैं। अब इसमें से हम थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी तकरीबन 4 से 6 निकाल लेंगे और इसको छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लेंगे। क्यों कटिंग कर लेंगे वो इसलिए कि हम जब स्ट्रॉबेरी बनाएंगे ना तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे चाहें तो करें वरना इसे आप नहीं करें, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसके अंदर ऐड करूँगी, क्रंची से अच्छा लगेगा। तो बाकी की 1 कप स्ट्रॉबेरी ये रही, और 4 से 6 स्ट्रॉबेरी को मैंने छोटा क्यूब की शक्ल में काट लिया। और ये है क्रीम, होममेड क्रीम। ये वो क्रीम है जो हम 1 kg मिल्क को उबाल लिया था, फ्रिज में रख लिया था, और वो क्रीम मैंने ले ली 1 कप। और ये मैंने 1 कप ही शुगर चीनी को अच्छे से पीस लिया, ठीक है। अब हम स्ट्रॉबेरी को भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें बहुत इजी सिंपल क्विक रेसिपी है, हमें घर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये देखें, ये क्रीम वो क्रीम है जो हमें मिल्क के ऊपर से मलाई निकलती है, ये वो, ठीक है, 1 kg मिल्क की। और ये देखें ये चीनी को मैंने पीस लिया, ये भी है 1 कप। अब इसे अच्छे से आपस में कर लेना है आपने मिक्स। कितनी इजी है ना, घर में बनाएं, सिंपल, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। तो अच्छे से हम इसे बीटर से कर लेते हैं मिक्स। आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू, बस अच्छे से इसे मिक्स करना है। देखिए जो क्रीम थी ना वो हमारी फूल गई है अच्छे से, क्योंकि क्रीम आपने ठंडी रखनी है, ठीक है। जैसे क्रीम आप निकाल लें, उसे आप फ्रिज में रख लें, और ये जो हमने स्ट्रॉबेरी पीस ली थी ना, ग्राइंड कर ली थी, वो हम इसके अंदर क्रीम, चीनी और स्ट्रॉबेरी को अच्छे से तीनों चीज़ों को आपस में कर लेना है मिक्स। बहुत इजी सिंपल सी रेसिपी है, आप बना सकते हैं, आप घर में सबको, मेहमान को खिला सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, खुद खा सकते हैं। बाहर से आइसक्रीम मंगाने से बेहतर है आप घर में बनाएं। और ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिए छोटे क्यूब्स, इसे कर लिया है आपस में मिक्स। और बस एयर टाइट जार लेना है आपने, और इसे इसके अंदर ऐड करके आपने रख देना है फ्रिज में 3 घंटे के लिए, ठीक है। डीप फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ज़्यादा भी मत रखिएगा, फिर ये हार्ड हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे इतनी सख्त हो गई, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। 3 घंटे के लिए बस रखिएगा, क्योंकि क्विक रेसिपी। और ये देखें 3 घंटे हो चुके हैं, और हो चुकी है हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी, ठंडी ठंडी यमी, ये सॉफ्ट सी आइसक्रीम हो चुकी है रेडी, घर में बनी है और है भी हेल्दी, साफ सुथरी आइसक्रीम हमने बना ली है। इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ और ख़ुद भी खाएं। और आ रहे हैं हमारे रमज़ान, तो आप बना सकते हैं इजी मेथड से ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और थोड़े से मैंने स्ट्रॉबेरी के क्यूब्स जो बनाए थे ना, कटिंग किए थे, वो बचा लिए थे। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर इस तरह सर्व कर दें। आप जेली भी डाल सकते हैं इसमें, ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, तो जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होगा। तो बन चुकी है मज़ेदार आइसक्रीम, और ये देखें, फिर से कह रही हूँ सॉफ्ट बनी है,
आप ज़्यादा देर तक मत रखिएगा वरना ये हार्ड हो जाएगी। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत ईजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए हाफिज़।